हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ए टू जेड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो पेट दर्द में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेफ्टाल स्पास के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में जानेंगे मेफ्टाल स्पास के ब्रांड नेम, क्या इसका यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या डोज है। तो फ्रेंड्स, बात करें मेफ्टाल स्पास के कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड आता है 250 मिलीग्राम और डाइसाइक्लोमीन SCL आता है 10 मिलीग्राम। बात करें इसके यूज़ की, तो फ्रेंड्स ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो पेट में जो ऐठन हो जाती है, पेट में जो मरोड़े आते हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही जब महिलाओं को जो पीरियडिक पेन होता है, जब महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है और उस समय जो पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए मेफ्टाल स्पास का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एबनॉर्मल कंट्रक्शन होता है, जिसके वजह से जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की समस्या हो जाती है, और उस वजह से जो हमारा पेट में मरोड़े आते हैं, दर्द होता है, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए मेफ्टाल स्पास का है प्रयोग काफ़ी किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके जो स्टोमेक है, जो पेट है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है या इंटेस्टाइन पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसमें जो पेन होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें जो पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी मेफ्टाल स्पास का जो है प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेफ्टाल स्पास के ब्रांड नेम की। अगर आपको मेफ्टाल स्पास ना मिले तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा ब्रांड नेम है वो देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्पासमोनिल प्लस या EU स्पास या स्पास टोन, मेगा स्पास, या इनके अलावा कोई और आपको ब्रांड नेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ब्रांड नेम होते हैं वो एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। बात करते हैं मेफ्टाल स्पास के साइड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स, जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म तक जो है मेफ्टाल स्पास को ले रहे हो, आप लंबे समय तक मेफ्टाल स्पास ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया यानी जी मचलाना, डिजीनेस यानी आपको थोड़े बहुत चक्कर आना, ब्लर विजन यानी धुंधला दिखाई देना, ड्राई माउथ, या फिर आपको स्लीपनेस यानी आपको थोड़ी बहुत नींद आना, ये कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप जो है मेफ्टाल स्पास ले रहे हो तो आप अल्कोहल का कंज्यूम ना करें। और फ्रेंड्स, जो मेफ्टाल स्पास है ये प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी में जो है बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ सावधानियों की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लीवर डिजीज़ यानी आपको कोई लीवर में कोई रोग है, या आपको कोई हार्ट डिजीज़ है यानी हृदय की समस्या है, या फिर आपको किडनी डिजीज़ यानी कोई किडनी में आपके कोई समस्या है, या इनके अलावा कोई और अन्य प्रकार की आपकी आपको समस्या है, तो उस कंडीशन में है आप मेफ्टाल स्पास सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद आप जो है टेबलेट का प्रयोग करें। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।